Electoral politics. In this chapter, first of all, you have read about features of election system, then independent election commission, and then challenges faced by our election system, and how to bring reforms in our election system means remedies. You have also read about Haryana Assembly elections. इसमें ही पढ़ा आपने, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस भी पढ़ा है. Then आपने इसमें पढ़ा होगा ज्वाइंट इलेक्टोरेट. ये सारे आपके फीचर्स में आ जाते होंगे, है ना. एंड देन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड अबाउट मैनिफेस्टो. All the topics you have read in this chapter. First of all, so what are elections? कितने तरह के होते हैं elections? Process by which people elect their representatives is called elections. Elections are of three types: general elections, by elections, midterm elections. General elections are held after every 5 years. And in India, the tenure of our government is 5 years. In India, elections are held after every 5 years, maybe of country election or of state election. State government kya hai ya country kya hai, ye 5 years ke baad hone hi honi hai. To agar state ke hote hain to hum kehte hain assembly elections, agar hote hain country ke to hum kehte hain lok sabha elections. To abhi jo feb month mein hai, they are assembly elections. आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एक डायरी रखनी है, नोट डाउन विनर पार्टी एंड जो लूजर होंगे कितनी वोट से वो हारे. यू हैव टू नोट डाउन कितनी सीट से वो हार गए. यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ऑल इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लेते होते हैं, ऑल आर इलेक्शन हेल्ड इन अवर कंट्री, इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. फर्स्ट इज जनरल इलेक्शंस, देन मिड टर्म एंड देन बाय इलेक्शंस. जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. मिड टर्म इलेक्शंस तब होते हैं व्हेन हाउस, होल हाउस गेट डिसॉल्वड, एंड अंडर सच कंडीशन मिड टर्म इलेक्शंस आर हेल्ड. एंड पार्टी जो उस पीरियड में पावर में आती है या कैंडिडेट्स जो पावर में आते हैं, दे आर फॉर फुल टेन्योर. मिड टर्म इलेक्शंस में फुल टेन्योर के लिए पावर में आते हैं कैंडिडेट्स. इन बाई इलेक्शंस अगर किसी मिनिस्टर की या तो कोई शिफ्ट हो जाए दूसरी कंट्री, माइग्रेट हो जाए, या फिर किसी की डेथ हो जाए, कोई रिजाइन कर दे, तो वेकेंट सीट जो होती है दैट इज फिल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months. एंड जो कैंडिडेट पावर में आता है ही इज ओनली फॉर रिमेनिंग पीरियड दैट द पार्टी, हाँ जितना उसके पार्टी के पास रिमेनिंग पीरियड होएगा उतने पीरियड के लिए कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होता है पावर में आता है. वो वेकेंट रहती है उतनी देर सीट, हाँ वेकेंट सीट 6 मंथ तक वो रख सकते, वो जल्दी फिल कर लेते हैं वैसे वो. नेक्स्ट इज इसी में आपने पढ़ा कि हाउ आर इलेक्शंस हेल्ड इन अवर कंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ये लिखना है, पूरा टॉपिक लिखना है कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए. फर्स्ट आप क्या कहोगे, सबसे पहले तो डेट ऑफ इलेक्शन आती है, देन इलेक्शन कमीशन जो वो वोटर्स, पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर हो जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय इलेक्शन कमीशन. देन और क्या होता है, वोटर्स लिस्ट इज टू बी रिवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन. फिर पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. वो इलेक्शन कमीशन नहीं करता कैंडिडेट्स को सिलेक्ट, वो कौन करता है, पार्टीज करती हैं. पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. फिर नॉमिनेशन पेपर फिल हो जाते हैं, सब कुछ ये सारी कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस. कैंडिडेट्स होते हैं, दे इशू देयर पार्टी और कैंडिडेट कैन इशू देयर मैनिफेस्टो, हर कोई इशू कर सकता है.
उस मैनिफेस्टो में वो अपना पूरा डिटेल ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स देते हैं टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो उस मैनिफेस्टो को इश्यू करते हैं। तो नेक्स्ट मैनिफेस्टो इशू करने के बाद कैंपेनिंग, कैंपेनिंग इज डन बाय पार्टी और कैंडिडेट्स। वाइल कैंपेनिंग, वाइल डूइंग कैंपेनिंग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वो ध्यान में रखते हैं। दे हैव टू फॉलो, कैंडिडेट्स और पार्टीज हैव टू फॉलो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। उसको दिमाग में रखते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। कैंपेनिंग जो है कितने आवर्स पहले बंद हो जाती है, 48 hours, मीन्स 2 days बिफोर द इलेक्शन कैंपेनिंग स्टॉप। तो अब डे ऑफ इलेक्शन आता है, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वोटर्स किधर जाते हैं, पोलिंग बूथ टू कास्ट योर वोट। अब पोलिंग बूथ वोटिंग होने, वोटिंग इज डन इन इंडिया बाय सीक्रेट बैलेट, ईवीएम आर यूज फॉर वोटिंग। After the voting, then EVM are carried to counting centers, and counting is done before the candidate or the agents of the political parties. Counting हो गई, and then candidate that get maximum number of votes is declared winner. वो winner होता है। तो इस way से, in this way, elections are conducted in our country. तो ये तो हो गया कि इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं। तो अब बीच में आ गया कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, इफ देयर आर लोकसभा इलेक्शन, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आउट ऑफ 543 412 आर फॉर जनरल कैटेगरी, and then 84 for and 47 for there are inhi mein se hum kahenge reserved, aap kahoge ki reserved bhi hoti hain seats, reserved rakhi jati hain seats, are reserved in India. aise kyun kiya gaya, because hamari government kya chahti hai ki so that no injustice is done with these people, taki to promote the dignity of these people, so that no injustice is done with these people. They also have say in politics. Unki bhi awaaz suni jaye politics mein. Voters list kya hoti hai? Voters list in which names of the eligible voters are mentioned. According to the voters list, I cards are issued to the voters by the government. Voters list के अकॉर्डिंग आई कार्ड बनते हैं। This voters list is to be revised by election commission. इसको revise, name of the new voters are added and names of bogus voters are deleted from this list. तो इस वजह से आप voters list को लिख सकते हो। Next, what is manifesto? It is a booklet or pamphlet, pamphlet or booklet in which party gave its, in which party or party gave its policies and programs. This manifesto is issued by party to attract the voters or to mold public opinion in its favor. If agar ye manifesto party or candidates ko answerable banata hai, this manifesto make the party accountable. Accountable ka matlab batana, answerable. If party, अगर पार्टी या कैंडिडेट आफ्टर द इलेक्शन दे डू नॉट फुलफिल देयर प्रोमिसेस दैट दे हैव डन इन देयर मैनिफेस्टो, दे आर फोर्स्ड बाय ओपोजिशन पार्टी टू फुलफिल द प्रोमिसेस विच दे हैव डन इन देयर मैनिफेस्टो। उनको फोर्स किया जाता है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये वाले प्रोमिसेस किए थे, तो नाउ यू हैव टू फुलफिल दोज प्रोमिसेस। अब आपको अपने प्रोमिसेस पूरे करने हैं। वो मैनिफेस्टो मीन्स पार्टी या कैंडिडेट्स को क्या बनाता है, अकाउंटेबल। सिर्फ पब्लिक ओपिनियन ही मोल्ड नहीं होता उससे, दिस मैनिफेस्टो मेक पार्टी और कैंडिडेट्स अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल। इफ पार्टी आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर कमिंग टू पावर, इफ रूलिंग पार्टी डू नॉट फुलफिल इट्स प्रोमिसेस विच इट हैज डन इन इट्स मैनिफेस्टो, then opposition party can force a party to fulfill its
प्रॉमिसेस, उसको फोर्स किया जाता है कि अपने प्रॉमिसेस पूरे करो जो कि तुमने किसमें किए थे, मैनिफेस्टो। इट मींस मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या बनाता है, अकाउंटेबल। नेक्स्ट इज, अगर आपको पूछा जाए डिफाइन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन विच पार्टी और कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो, जो कि उन्हें फॉलो करने होते हैं। अब आप इसमें बता दो कि क्या क्या ये कौन इशू करता है, इलेक्शन कमीशन बिफोर इलेक्शंस। अब इसमें व्हाट द पार्टी हैज नॉट टू बी फॉलो एंड वो सारा बता दो, क्या नहीं फॉलो करना होता उसको। एक तो उसको रिगिंग नहीं करनी, रिलीजियस प्लेसेस नहीं यूज करनी, नॉट टू गिव ब्राइब टू द वोटर्स, नो सीक्रेट सिंबल्स आर टू बी यूज्ड, कांट यूज, कांट डिमांड वोट इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। कैंडिडेट्स कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट्स नहीं मांग सकते। ये सारे इसमें आप लिख सकते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। अगर आपको पूछा जाए कि क्यों रिजर्व सीट्स रखी हुई है हमारी कंट्री में रिजर्व, ताकि गवर्नमेंट चाहती थी कि इन लोगों की भी, अर्लियर देयर कंडीशन वॉज वेरी पुअर, दे वर नोन एज दलित्स, देन दे वर लेटर कंसिडर्ड एज हरिजन्स, दे वर गिवन द नेम ऑफ हरिजन्स बाय महात्मा गांधी। बी आर अम्बेडकर वॉज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही हिमसेल्फ वॉज दलित एंड ही वॉन्टेड दैट condition of, he was on the view that condition of these people would not be improved till they would not come in power. Unko aise lagta tha ki inki condition kabhi bhi improve nahi hogi jab tak ye power mein nahi aayenge. That's why B.R. Ambedkar ne inke liye aap bolo ke pehle to separate electorate manga, but no separate electorate was given to these people. Their seats were reserved in government bodies. Seats reserved kar di. In this way these people also have say in politics, and government has done so to promote the dignity of these people, to improve the condition of these people, so that no injustice is done with these people. But these people have to be voted in general electorate, not in separate electorate. So is way se aap likhoge, aapko agar aa jaye ki kyun inki seats reserve ki hui hai, to aapko batana hai ki pehle inki condition poor thi, kaise kaise inke sath injustice hota tha, fir government ne inki condition ko improve karne ke liye, taki inke liye inke sath koi bhi injustice ना हो, दे आल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे वुमेन इन इंडिया, कंडीशन ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इज लो, पता है ना, अरेबियन कंट्रीज से भी हम पीछे हैं, वी आर लैग बिहाइंड देन अरेबियन कंट्रीज, देखो उनसे भी पीछे हैं हम। पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया इज लो, इंडिया में अगर वुमेन का पॉलिटिकल सेम एज एससी एंड एसटी, अगर वुमेन का पॉलिटिकल स्टेटस इंप्रूव कर दिया जाए जैसे कि गवर्नमेंट ने एससी एसटी का किया था, तो नो डाउट इंडिया में भी वुमेन की जो डिटीरियोरेटिंग कंडीशन है ना वो इंप्रूव हो जाएगी। पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इन पॉलिटिक्स, लो स्टेटस है, तो वुमेन की अगर कंडीशन इंप्रूव करनी है ना गवर्नमेंट को, हमारी कंट्री में अगर सिक्योर करना है वुमेन को, तो गवर्नमेंट हैज टू इम्प्रूव देयर पॉलिटिकल स्टेटस, गवर्नमेंट को उनका पॉलिटिकल स्टेटस इम्प्रूव करना चाहिए। आपको पता है सेंटर ने सिर्फ कितने परसेंट सीट्स रखी हुई हैं वुमेन के लिए, सिर्फ 10, स्टेट ने सिर्फ 5, स्टेट ने तो और कम कर दी 5, और लोकल गवर्नमेंट ने 33%। तो किसने ज्यादा रखी, लोकल गवर्नमेंट, मीन्स लोकल गवर्नमेंट में वुमेन की, वुमेन का पॉलिटिकल स्टेटस अच्छा है। लोकल गवर्नमेंट में हम वुमेन को ज्यादा देखते हैं पॉलिटिकल फील्ड में, वुमेन की पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन लोकल लेवल। बट अगर हम सेंट्रल एंड स्टेट लेवल की बात करें तो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इज लो इन अवर कंट्री। अभी भी पार्लियामेंट के पास बिल इज पेंडिंग, नेक्स्ट इज चैलेंजेस फेस बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इसमें आप मेन पॉइंट से ही लर्न करोगे, डायनेस्टिक सक्सेशन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया, एंड नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, मनी एंड मसल पावर। फर्स्ट हम कहते हैं कि इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव इन इंडिया, इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, ओनली रिच कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, दो दे आर नॉट केपेबल, पुअर पीपल
though they are capable, honest, deserving, can't contest elections due to lack of resources. Political parties mostly give chance to their friends and relatives while selecting candidates, or to give higher position to the candidates they carry mostly to their friends, relatives and family members to the higher position, though they are not capable. In India, there is dynastic succession. There is lack of internal democracy. While selecting candidates, no internal elections are conducted in India, whereas in UK and USA, internal elections are conducted. Whereas in India, these decisions are taken by top party leaders. While taking decisions, only top party leaders take decisions, and they do never consult with the members. Members do not know what are the decisions taken by the party. They have to only follow them. Next, first, money and muscle power. As the main aim of party is to win the elections. So that's why sometimes political parties select criminal and rich candidates, because they are on the view that by using money and muscle power, they would win the elections. By using money and muscle power, they would win the elections. No meaningful choice to the voters. These days, all the parties have same manifesto. Policies and programs parties frame are mostly same. There is no meaningful choice. No, voters are confused. They do not know in whose favor they have to cast their vote. So these are the challenges faced by our election system. There is defection also. So many political leaders are indulged in defection. They are indulged in defection. Sometimes they change their party. They change their party for cash rewards or for some personal benefits. So in these days, our political leaders, they are indulged in defection. So this is the challenge also faced by political parties. The government has passed anti-defection law, but still leaders are indulging in defection. Defection is not, hum ye kahenge ki isse anti-defection law ke aane ke baad, still defection is going on. Chahiye down ja chuki hai, though it has gone down, but still it is going on. Abhi bhi ye follow ki ja rahi hai. Still some leaders are indulging in defection. How to bring reforms? Ab reforms kaise laye jaye? To part, sabse pehle to there should be control over the expenditure. Next, fir hum kahenge ke internal elections hone chahiye while selecting candidates. Fir hum kahenge criminal and रिच का इन्फ्लुएंस हमारी पॉलिटिक्स पे, रिच का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच ऑन अवर पॉलिटिक्स एंड देयर शुड बी नो इन्फ्लुएंस ऑफ रिच ऑन द पॉलिटिक्स, वो नहीं होना चाहिए. केपेबल कैंडिडेट शुड गिवन चांस, नॉन सीरियस कैंडिडेट शुड नॉट गिवन चांस. वोटिंग शुड मेड कंपल्सरी. एक ये भी तो ड्रॉबैक था कि लो पोलिंग परसेंटेज, बहुत कम लोग वोट डालने जाते हैं. 75-80% पीपल कास्ट देयर वोट इन इंडिया एंड पीपल 20% पीपल 20% पीपल दे डू नॉट कास्ट देयर वोट. सो इन दिस वे वी कैन से कैंडिडेट्स हु आर रूलिंग दे आर नॉट ट्रू कैंडिडेट्स. सो वोटिंग शुड आल्सो मेड कंपल्सरी. Dynastic succession should not be used. Election commission should be strict and no rigging should be done during elections. Ruling party should not allow to misuse its powers. Opposition party should also given equal chance. Level playing field hona chahiye wahan pe. Equal chance should given to all, not only ruling party. Ruling party ko पावर मिस यूज नहीं कर, मोस्टली रूलिंग पार्टी मिस यूज इट्स पावर्स. तो एक तो ये, अगर मैं कहूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप बताओ क्या होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स इन अवर कंट्री.
पर्सन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, बस कोई उसके लिए क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, बिकॉज गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू वायलेट द राइट ऑफ द इलिटरेट पीपल. तो इस वजह से आप बताओगे, बट साथ में आप कह दोगे कि अगर पर्सन इज एजुकेटेड, हैविंग पॉलिटिकल, हैविंग नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, देन इट इज गुड एंड सच टाइप ऑफ कैंडिडेट्स कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री. तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव है तो नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को डेवलपमेंट पे पैसा लगा दे, इज इट करेक्ट? नहीं, इलेक्शंस आर कंपलसरी, चाहे वो एक्सपेंसिव है, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड आफ्टर फिक्स टेन्योर, क्योंकि इलेक्शंस नहीं होंगे गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटोरियल हो जाएगी, गवर्नमेंट मिस यूज करेगी अपनी पावर्स, गवर्नमेंट डिक्टेटोरियल हो जाएगी. तो इलेक्शंस आर मस्ट, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे नो सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजंस. तो हम कहेंगे कि इलेक्शंस हमेशा टाइम पे अपने फिक्स टेन्योर पे होने ही चाहिए. गवर्नमेंट अगर इतना खर्चा, अगर हम कहेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स पे करती है या फिर फॉर बाइंग सबमरीन गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, देन व्हाई नॉट ऑन इलेक्शन, व्हिच इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी.